मशहूर टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट लंबे समय बाद टीवी स्क्रीन पर एक लंबे ब्रेक के बाद वापस आने के लिए तैयार है जी। दरअसल जल्द ही वो अपने हिट सीरियल बेहद के सीक्वल बेहद 2 में नजर आने वाली है। वहीं सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार बेहद 2 इस साल नवंबर में रिलीज होने जा रहा है और ये शो अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति को रिप्लेस कर सकता है। जी हाँ, वैसे सिर्फ जेनिफर विंगेट ही नहीं बल्कि श्वेता तिवारी भी सीरियल मेरे डेड की दुल्हन के साथ अपना कमबैक करने जा रही है और उनका शो भी नवंबर में आने वाला है। अब बात करें उनके शो की तो वो तभी ऑन एयर होगा जब केबीसी 11 ऑफ एयर होगा। ऐसे में इन दोनों ही शोज की डेट अभी तक तय नहीं हुई है लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ही शो मिड नवंबर में ऑन एयर हो सकते हैं। वैसे अब ऐसे में ये देखना काफी मजेदार होने वाला है कि अमिताभ बच्चन के शो केबीसी को जेनिफर विंगेट का शो बेहद 2 रिप्लेस करता है या श्वेता तिवारी का शो मेरी डेड की दुल्हन। अब सभी जानते ही होंगे कि इस शो में माया मल्होत्रा के तौर पर जेनिफर विंगेट को काफी तारीफें मिली थी और उन्हें दर्शकों के साथ ही साथ क्रिटिक्स से भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। ऐसे में आपको पता ही होगा कि इस शो में जेनिफर ने पहली बार नेगेटिव किरदार निभाया था लेकिन फैंस उनके दीवाने हो गए थे। इस शो में वो एक साइको लवर बनी थी और इस शो में जेनिफर विंगेट के अपोजिट कुशाल थे लेकिन इस बार शिविन नारंग दिखाई देंगे। वहीं श्वेता अपने शो मेरे डेट की दुल्हन में नजर आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट गॉसिप्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी पंचायत। शुक्रिया।